मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीज के परिजनों को तहसील प्रशासन द्वारा रैन बसेरा मुहैया कराया है, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के साथ अधिकतर लोग रहते हैं, जिनके लिए मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरा की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में दो रैन बसेरा है, जिसमें एक 123 तथा दूसरा 108 बेड का है, जिसे अब कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराया गया है तथा परिजनों को कम्युनिटी किचन तथा एनजीओ के माध्यम से भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, जी मेडिकल कॉलेज में जैसा आप जानते हैं कोविड अस्पताल के पास बहुत बड़े पैमाने पे परिजन वहाँ पे रहते हैं और उनको जानकारी नहीं थी। वहाँ पे दो दो रैन बसेरे हैं, 123 बेड का एक रैन बसेरा है और एक 108 बेडेड है। उसमें जब हम लोग वहाँ पे भ्रमण किए माननीय जिलाधिकारी माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में, देन वहाँ पे देखा गया कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ नीचे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको हम लोगों ने अवगत कराया और उनको शिफ्ट कराया अपने राजस्व टीम के माध्यम से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के साथ, कि उनको बताया गया कि वो फ्री है, वहाँ पे वो रुक सकते हैं, वहाँ पे जाए। उसके बाद लोग वहाँ रुकने लगे नियमित तौर पे, अभी हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा, वहाँ उन लोग के खाने का एक इशू आता है, तो अधिकांश परिजनों ने बताया कि जो गोरखपुर वासी हैं कि उनके पेशेंट घर का खाना चाहते हैं, तो घर जैसा ही खाना उनको एनजीओस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बना के ले जाना चाहते हैं वो अपने घर से ले जाते हैं सभी।